Hey everyone! Thanks for tuning in again, and I'm so grateful and I'm excited that Handurani joined the podcast. So how's it going? It's going good so far. <laughs> like it's, it's good. Say, I feel like recently you just worked on Tare, yeah, like the music video. Yeah, I saw the video, and usme noticed that like there's both you and your alter ego. Yeah, musicians for musicians, like from a creative standpoint, you're either one or the other. Yeah. So like, uh, दफ़ा नहीं ऐसा हुआ है कि आई हैड टू लाइक ब्रिंग बोथ ऑफ माई ऑल्ट्री गोज इन द सेम रूम और काफ़ी सारे ट्रैक्स थे और आई थिंक लाइक जो मेरा पर्सनल बिलीव है वो यही है कि हर आर्टिस्ट जो है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे करैक्टर्स खुद ही बनाता है और उनको फिर खुद ही जो है वो ख़त्म भी करता है और अगर कोई करैक्टर रह जाता है तो वो उसको पूरी ज़िंदगी हॉन्ट करता रहता है तो इट वाज वन ऑफ़ दोज करेक्टर्स इट आई वुडेंट से स्पेसिफ़िकली इट वाज एन ऑल्टर ईगो बट इट वाज वन ऑफ़ दोज करेक्टर्स और इस तरह बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो पहले भी देवर देयर और कुछ लोग हैं जो उनको रिकग्नाइज़ भी करते हैं कि दिस वॉज अ डिफरेंट करेक्टर एंड दिस वॉज अ डिफरेंट करेक्टर was one of those characters, and I had to like keep him in the same seat. Or I think it's always, Hamesha It's interesting that you, experience कर सकते हो. different perspectives experience kar If you have seen the video, गाड़ी my पहले मैं front seat i I'm driving, then I'm like on the back seat. or एक ही गाड़ी है, एक ही रास्ता है, but dono perspectives बहुत different हैं. I think it it also defines that how many you experience kar sakte ho. Aur, yeah. I feel like majority of multifaceted are and uh, yeah. like whether you're friends or doesn't matter at which level you know them, you only get to see like one side of them. Like with me, I'm a completely different person with the people I work with and I'm a completely yeah. different person with my family and based on like how comfortable I am with certain friends, I'm like a different person around exactly. all of them. लाइक like, आप आप ये कर लो ना बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जस्ट ओपन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखो कि अगर आपका प्रोफेशनल ग्रुप है वहाँ आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो जब आपके दोस्तों का ग्रुप है वहाँ पे आप चिल होकर बात कर रहे हो या बिकॉज यू नो कोई आपको जज नहीं कर रहा ठीक है जब आपकी फैमिली का ग्रुप है तो वो तो आप सीन ही करके छोड़ रहे हो क्योंकि आधी ज़्यादा <laughs> तो आपको वो बीमारियों के इलाज मिल रहे हैं वहाँ पे तो बात यह है कि आप फिर उसके अंदर देखते हो एवेल्यूएट आप ख़ुद ही कर सकते हो कि आप हर बंदे से डिफरेंट तरीके से बात कर रहे हो आपकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है और आप दिन में कितनी ज़्यादा पर्सनैलिटी शिफ्ट करते हो एज सुन एज यू लीव योर ऑफिस यू आर डिफरेंट पर्सन एज सून यूर एज यूर इंटर एज यू एंटर योर हाउस आप एक डिफरेंट बंदे होते हो तो ये तो लाइक दिस इज़ नेवर एंडिंग साइकिल बस ये है कि कुछ लोग रेकग्नाइज नहीं कर पाते कि हमारे अंदर बहुत सारे करेक्टर्स हैं मैं या कोई भी आर्टिस्ट जो है वो उन करेक्टर्स को रेकग्नाइज करके उनको सामने ले आता है पीपल थिंक कि यार ये कोई या तो डिसऑर्डर है या फिर ये कोई जो है पर्सनैलिटी इसका पार्ट है

मेरे ख्याल से लोगों को अब सिखाना चाहिए कि आपको अपनी हर साइड को समझना चाहिए यहाँ पे हमें वो वन साइडेड स्पेक्ट्रम देते हैं कि बस यही है ये सीधी लाइन है आपने ये करना यहाँ से शुरू है यहाँ ख़त्म हुए शादी ये ये सब कुछ बता रहे हैं उसके साइड पे जितने स्पेक्ट्रम्स हैं जितनी डायमेंशन है वो आपको नहीं बताई जा रही कि आप जो है वो आप पे ये टाइम भी आएगा कि जब आपके दोस्त जो है वो उनके पास डिग्रीज होंगी उनके पास सब कुछ होगा और आपके पास कुछ नहीं होगा और उस टाइम पे आप जब डिप्रेशन में जाओगे तो आपके पास तब भी इतने रास्ते आएंगे और आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो हर एक का डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है तो आपको वो रियलिटीज़ नहीं ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं बताई जाती आपको किताबी बातें बताई जा रही हैं कि जी यही है बस ये सीधा प्लेन है यहाँ पे करोगे ये करोगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा नहीं हुआ तो क्या होगा वो नहीं बताया जाता आई फील लाइक आई डोंट नो मे बी दैट्स जस्ट मी लेकिन आई लार्जली नोटिस कि द रीजन यू आर टू हैव लाइक दिस होमोजेनस सो दैट यू आर प्रेडिक्टेबल like based on your like your behavior is predictable and then uh, a certain outcome based on if they ask you for a favor or something it's predictable yeah, if they ask you to do something your compliance is predictable ke they emphasize self-awareness or self conscientiousness. in fact like when you are uh, like when you do express how self conscientious you really are a lot of people are like Yeah, kind exactly and I think आई मीन आई वुडेंट स्पेंड टाइम विद द पर्सन हु इज प्रिडिक्टेबल दिसक वट्स द होल कैच इन इट आपको पता है कि एक बंदा लाइक आई डोंट नोट इट माइट साउंड वेरी रूड एंड वेरी इनसेव बेट आई एम नॉट टॉकिंग एज लाइक माई फैमिली और पीपल हु आई एम कनेक्टेड टू बट आई वुडेंट लाइक अगर कोई नया बंदा मिलता है न आई आई जस्ट रीड हिम लाइक सर से पैर तक ठीक है पीपल विल गो लाइक कि हाँ डोंट जज अब बुक बैट्स कवर कवर अच्छा बनाओ ना ठीक है <laughs> तो बात यह है कि अगर मैं हेड टू टूर मैंने एक बंदे को रीड कर ली और conversation हुई है और उससे मेरी कन्वर्सेशन वही है आई नो हिम ठीक है इफ ही इज लाइक मोनॉटनस और उसको वही है कि हाँ मैंने तो जी दस दस महीने यहाँ पे जॉब करनी है इतनी सैलरी रेज करनी है अगर मुझे एक जगह से लाइक आई लुक फॉर लेयर्स और आई थिंक अगर एक बंदा अनप्रडिक्टेबल है तो वो उसके अंदर अनप्रडिक्टेबिलिटी के अंदर ये होता है कि वो बंदा लर्निंग फेज है वो बंदा अभी भी ही इज थ्रू फेज इन ऑल दैट अगर कोई बंदा प्रडिक्टेबल है that means कि वो बंदा खुद को भी नहीं जानता क्योंकि ह्यूमन नेचर कैन नॉट फॉर मी लाइक There wasn't a lot of like influences from my parents. Yeah. They really were just concerned have a good education. Personality yeah. wise, they're like be your own person. You like art, you're never gonna have a career in it. Like <laughs> can go ahead. It's a hobby. So that means they raised <laughs> you to be unpredictable. Ha sort of. Like now way. it pisses them off now. Up Yeah. that

अगर आप जो है यू आर इन अ केस यू यू विल वॉन्ट सम यू नो स्टेबिलिटी इन योर लाइफ बट यू इफ़ यू आर ऑलरेडी बोर्ड ऑफ द स्टेबिलिटी इन योर लाइफ बी लाइक विलकट जस यू नो अराउंड तो ये है कि इट्स इट्स मोर ऑफ परस्पेक्टिव की सारी परस्पेक्टिव है कि आप जो है वो वट डू यू वॉन्ट इन लाइफ एंड आई थिंक वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन तो yeah where were we <laughs> okay, <it> was, <laughs> i just lost the train like, of thought i am just yeah <laughs> it like went off on a tangent yeah completely so yeah uh, we started from personalities and yeah the sides of it Achha, i feel like normally if you lack stability you're trying to gain stability Yeah, it comes down to what you grew up with and what you become comfortable with for example if you had like an unstable home life you're more likely to Uh, look for that when it comes to to. your friendships and and partnerships, because that's what you're used It's it's familiar, yeah. so it's comforting. Whereas if stable and predictable, you're immediately like क्या है बट आई थिंक कुछ लोगों के साथ उसके ऑपोजिट भी हो जाता है हाँ ये भी होता है लाइक कुछ लोगों के साथ ये भी हो जाता है कि वो जब उन्हें पूरी जिंदगी एक मिला है जहाँ पे उन्हें लोग मिले जब वो एक्सप्रेसिव लोगों को like, के साथ एक्सपोज होते हैं दे गेट लाइक रियली स्केयर्ड कि ये क्या हो रहा है वाई आर दे एक्सप्रेसिंग सो मच दिस इज नॉट हाउ इट सपोज टू हैपन वो भी एक मसला होता है सो इट्स अगेन या ये है कि वो अप्रिंगिंग पे बहुत ज्यादा मैटर करता है और पर्सन टू पर्सन भी मैटर करता है कि हर बंदा किस तरह परसीव कर रहा है उस चीज़ को लाइक like, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कोई बंदा जो है वो उसको लाइक एक्सेप्टिंग वे में करता है कि हाँ आई नीड दिस चेंज कुछ लोग होते हैं दे दे गेट रिबेलियस अबाउट इट लाइक विद मी एंड माई फादर मेरे अंदर जितना वो जितना रिबेलियनिज़म था वो मेरे फादर से आया था आई सॉ हिम लाइक स्टैंडिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑल हिज लाइफ जब मैं वो ही बना तो ही वॉज लाइक वट आर यू डूइंग विद योर लाइफ क्या कर रहे हो तुम ये वो आई सेट दिस इज़ वट आई वट आई हैव लर्न फ्रॉम यू वो कहते थे तुम जो है मतलब नॉर्मल स्टडीज छोड़ के यू आर गोइंग टूवर्ड्स म्यूजिक और आर्ट्स और ये क्या कर रहे हो लाइक like, वट दुनिया क्या कहेगी लोग क्या कहेंगे आई लाइक दिस इज़ वट आई लर्न फ्राम यू कि लोगों की परवाह नहीं करनी सो so, लाइक like, अब मुझे ये क्यों सुनाया जा रहा है जब मेरे अंदर वो एक चीज़ फी डीप रूट कर दी गई है और अब मैं दोबारा से अपने आप को जो है वो रिवायर करके सोचूं कि जी दुनिया की परवाह करनी है तो मैंने कहा पॉसिबल नहीं है वो लाइक <laughs> like, बहुत टाइम गुजर गया तो वही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पेरेंट्स हमें वो चीज़ें सिखा जाते हैं जो बाद में उन्हें लगता है कि यार ये सही नहीं थी या उन्हें लगता है कि ओके दिस वॉज लाइक अनथॉट थोट वही अगेन आई एम सॉरी थोड़ा सा साइड पे जा रहे बट यहाँ पे पेरेंटिंग सिस्टम इज़ अप यहाँ पे आपके जो है वो बच्चों से लेके बच्चों की परवरिश से लेके उनके करियर प्लान से लेके सब कुछ अनप्लैंड है सब कुछ अनप्लैंड है और के है बहुत ज़्यादा फैमिली सिस्टम यहाँ का कि जी आपने शादी कर ली उसके बाद शादी के बाद विल बी लाइक हाँ बच्चा कर लो अब बच्चा कर लो लाइक वो सब चल रहा है फिर उसके बाद बच्चा हो गया फिर पता नहीं है फिर उसके बाद पता ही नहीं है कि उसके साथ करना गया बच्चे के साथ जी डॉक्टर इंजीनियर है अच्छा ये नहीं हुआ तो सी एस एस करवा लेंगे ये नहीं हुआ तो ये करवा लेंगे कुछ नहीं हुआ आर्मी में डाल देंगे कैट कॉलेज में डाल देंगे जो आस पास जितना पीयर प्रेशर उनके हाथ में वो डाल देते हैं आपके सर पर अब उस पीयर प्रेशर से जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ऑब्वियसली वो अच्छे ग्रेड्स लेके अच्छी जॉब्स पे लग जाते हैं जो आर्टिस्ट होता है वो बीच में जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है आपके पीयर प्रेशर सिस्टम ने जितने आर्टिस्ट मार दिए हैं या जितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ऐसे ऐसे लोग हैं वो गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे हुए हैं क्लर्क के तौर पर बैठे हुए हैं और जब आप उनका आर्ट देखते हो आप कहते हो ये अभी पाकिस्तान के या जिस भी कंट्री में जिस भी जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे ये इनका ठीक ठाक नाम होता है इनका आर्ट जो है वो बहुत लोग कनेक्ट कर सकते थे लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उनको पीयर प्रेशर में उनको ये बता के कि जी तुम्हारे दोस्त ज़्यादा कमाएंगे ये लोग ज़्यादा कमाएंगे तुम खाओगे कहाँ से खा लेते हैं सब खा लेते हैं ठीक है नहीं भी खाते नहीं भी वो होता बंदा बुरे उसमें भी एटलीस्ट सेटिस्फाइड तो है ना बंदा अपने आप से आई थिंक आई अल स्लीप विद अ सेटिस्फाइड हार्ट रादर देन अ फिल्ड टमी लाइक दैट्स जस्ट लाइक फॉर मी आई डोंट नो कुछ लोग होंगे देइ कि हाँ नो डिसरिस्पेक्ट टू द पीपल हु डोंट हैव मनी फॉर ईटिंग एंड लाइक उनके पास खाने पीने को नहीं है बट ये है कि लाइक आई हैव सीन टाइम्स वेयर वेर आई हैड टू बी ऑन माई ओन वेर आई हैड टू बी एंड आई वॉज लाइक कि नहीं मैं लाइक आईव डन वेरी लाइक और जॉब्स लेकिन मुझे यही था कि आर्ट कम्स फर्स्ट मुझे ये करना है तो यही है कि आप आप जो है वो यहाँ पे मसला बहुत पीछे से चलता हुआ आ रहा है मसला अपब्रिंगिंग्स में इतना ज़्यादा है कि आप जब देखते हो कि दुनिया में जितने भी लोगों के साथ मसले चल रहे हैं साइकोलॉजिकल मसले चल रहे हैं वो चल रहे हैं जब आप यू गो बैक इन टू इट इट्स समथिंग इन द ब्रिंगिंग

एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि वाट्स मार्केटबल इन वट इज़ इन एंड दैट्स वॉट योर पेरेंट्स फोर्स ऑन यू कोई yeah. ये uh, मतलब फुलफिलिंग करियर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि दिस इज़ समथिंग यू हैव अ नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर दिस इज समथिंग यू वांट टू डू समथिंग यू एंजॉय डूइंग टू लेट्स होन योर स्किल्स एंड सो दैट यू कैन मार्केट दी ना लेकिन वो बात कभी भी नहीं होगी एक और मसला ये आई फील लाइक अ लॉट ऑफ द थिंग्स especially desi parents yep. a lot of the things they do and when it comes to tiger parenting it's about control it's not about oh we're doing what's best for you it's <laughs> yeah like yeah. Uh, i'm a teenager and just rhythm is type of getting up at 7 in the morning isn't really ideal for me i and i so that's just how my internal clocks work Yeah. Right now. Yeah. और बाद आज तक वहीउंडोर एम और like, छठना होता था एट एनी कॉस्ट और मैं रोज़ लेट हो जाता था सो आई हैड टू टेक लाइक लोकल बसेज़ और ये और वो एक पॉइंट पे आ गया कि घर वाले कहते थे काम करते हैं तुम्हारे लिए आधे घंटे घंटे बाद की बस लगा देते हैं लाइक अलग से तुम क्यों इस पे ट्रांसपोर्ट पे पैसे ज़्यादा कर रहे हो लाइक <laughs> like, तुम रोज़ वो बस छोड़ के तुम खुद जा रहे होते हो और मैं रोज़ लेट हुआ होता था क्योंकि मेरी स्लीपाइकिल नेचुरली वो थी मैं आई यूज़ टू स्लीप रहा थी मैं कुछ नहीं कर रहा लेकिन आल बी जस्ट अवेक मुझे वो होता ही नहीं था कितनी दफ़ा लाइक जब मैं नॉर्मल पे करता हूँ कि यार आप रात को बारह बजे सो रहे हो सुबह सात आठ उठ रहे हो वो मैं डिस्टर्ब हो जाता था लाइक मेरा जो है वो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब बहुत सारी डिस्टर्बेंसेज आ जाती थी फिज़िकली भी हो जाती थी तो मुझे समझ आ गई कि मेरा नेचुरल साइकिल है ही ये अब आपको ऑफिसज ये बात नहीं अंडरस्टैंड करेंगे आपके कॉपरेट सेक्शन ये बात नहीं अंडरस्टैंड करेगा ऑब्वियसली दे नीड यू टू बी देयर नाइन टू फाइव

वन आई लेफ्ट द ऑफिस और उसके बाद आई मैं घर गया और आई टुक सिक्स मंथ्स और डूइंग नथिंग और मैं सिर्फ वो अपनी जो खबरनामा एल्बम थी आई आई वर्कड ऑन दैट लाइक डे एंड नाइट और आज तक लाइक like, जितने लोग हैं जितने फैंस हैं और वो दे आर कनेक्टिंग विद दैट एल्बम इट्स बिकॉज ऑफ के वो इतनी ऑनेस्ट थी कि आई वॉज लाइक कि हाँ मैंने अब इसके लिए इतने सेक्रीफाइज दिए हैं मैं अब आई एम गोइंग ऑल इन ऑल इन तो ये है कि आपको जब तक मैं उस जॉब में था आई कूड डू शेट फॉर लाइक कैन आई से कूडेंट डू ना कुछ बन रहा था ना मैं आर्ट कर पा रहा था जबकि फन फैक्ट इट वॉज अ मीडिया हाउस दे वर टेलिंग यू कि आपने इस तरह ड्रेसअप करना है आपने इस तरह ये ब्रेक्स है ये टाइम है आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ आर्ट कैन बी रेगुलेटेड cannot understand or again when the corporates come in they are like art ko regulate karna hai, art ko hamare. se karna hai. this is not how it happens it cannot happen that way it's a very free flowing thing aap, artist wo hai, aap usko jo hai you cannot give him like five by four ka wo, and then just draw inside you cannot like limit him and expect the artist to be good at what he's doing you have to give him a whole room

नहीं मैं उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ ट्रैफिक मोटिवेशनल वीडियो फॉर दोज पीपल जो रात को फोन पे म्यूट करके वीडियोस देखते हैं आई से उसको मोटिवेशन की क्या जरूरत है वो उस, उसमें इतनी वो नहीं है कि वो फोन की वो ऑन कर ले हेडफोन्स लगा ले प्लीज लाइक एटलीस्ट हेडफोन्स लगा लो सो आई वॉज लाइक कि इसमें ज़रूरत क्या है उस बंदे को वो मोटिवेट कैसे करूँ मैं उसको वो खुद हारा हुआ है कि वो जी वो फोन की वो ऑफ करके वो बैठा हुआ है वॉल्यूम ऑफ करके बैठा हुआ उसको मैं क्या मोटिवेट करूँ सो ई वॉज लाइक नहीं ऐसे थोड़ी होता है ये वो आई केंट एक्सप्लेन इट टू हिम लेकिन ये है कि आपको कॉपोरेट स्पेसिस में मार दिया जाता है आपके आर्ट को मार दिया जाता है लाइक like, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आई वॉज लाइक ये नहीं हो सकता एज एन आर्टिस्ट यू कैन नॉट डू दिस लाइक आई रिमेंबर आई वॉज वर्किंग एट दिस प्लेस आई कैन नॉट नेम बट इट वॉज वेरी गुड नहीं वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज आई वर्कड इन एंड वहाँ पर लिटरली लाइक देर वर फोम्स और मेट्रिस डाले हुए थे कि यू कैन लाइक आप बैठ के उधर लेट के काम कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू इतना उनके पास फ्रीडम था इफ़ यू वॉन्ट लाइक एनी थिंग हाउ मैनी ब्रेक्स यू वॉन्ट फॉर एनी थिंग जस्ट हैव यू ब्रेक्स बस उनका एट द एंड ऑफ द डे होता था टास्क कंप्लीट किया जाओ देर आर नो टाइमिंग्स नो रूल्स और आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट इन्वायरमेंट क्योंकि उसी इन्वायरमेंट में आई रोट माई थर्ड एल्बम वाई एल वर्किंग देयर तो यही है कि लोगों को भी ये समझना होता है ना यहाँ पे अभी तक बींग एन आर्टिस्ट इज़ अ dogma इन इट कि आर्टिस्ट कैसे क्या मतलब तुम तुम कोई हमसे अलग हो तुम कोई हमसे उन्हें अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि नहीं करते ऑपरेट सेम लेवल पे अगर आप अगर आप नाइन टू फाइव करके सेटिस्फाइड होकर घर जा रहे हो और एक बंदा नहीं होके जा रहा है एक बंदा लाइक देर आर पीपल हु लाइक दे वर बी होमलेस देन डूइंग नाइन टू फाइव

आई कैन नॉट आई कैन नॉट लाइक मुझे बहुत हॉन्ट करता है कि किसी के घर में ये रूल्स होना आपने इस टाइम सो जाना है इस टाइम उठ जाना है यू कैन नॉट सेट हेयर यू कैन नॉट डू दिस इट हॉन्ट्स मी के हाउ कैन यू रेगुलेट लिविंग हाउ कैन यू रेगुलेट कि एक पर्सन एक बंदा कैसे वो कर रहा है आपने इस टाइम पे करना है इस टाइम पे करना है लाइक अब वेन आई एम लाइक द हेड ऑफ द हाउस आई एम लाइक जो करना है करो लाइक इट्स अप लाइक जिसका जो दिल है करो आईव नेवर टोल्ड एन यू एन कि यार तुम इस टाइम क्या करो लाइक वट आर यू डूइंग वाई आर यू ऑन योर फोन वाई आर यू ऑन यूर लैपटॉप बिकॉज वी हैव बिन थ्रू ऑल ऑफ दैट आई रिमेंबर वी हैव बिन थ्रू अब दुनिया कहीं डूब रही है एंड वी आर जस्ट लाइक लाइक अभी कोई कहेगा कि तुम तो मोबाइल में क्यों घुसे हुए हो जबकि यू आर लाइक अब मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि आई हैव एन आइडिया और आई कैन नॉट गेट टू पेन इन पेपर मैं मोबाइल पर लिखना शुरू हो जाता हूँ आदर इट्स इन मिडल ऑफ लाइक आई एम ईटिंग समथिंग क्योंकि मुझे पता है वो एक दफ़ा गया तो इट लाइक like, कभी वापस नहीं आना लेकिन पीपल वोट अंडरस्टैंड इट यू आर अभी लाइक इवन योर फ्रेंड्स दे आर लाइक क्या कर रहे हो तुम लाइक यो आर जो डाउट और आप लोगों के बीच में बैठे हुए सो इट्स इट्स वेरी आई थिंक इट्स अ क्रूल वर्ल्ड फॉर फॉर आर्टिस्ट इट्स द वर्स्ट प्लेस टू बी इन स्पेशली हमारे जो ये बड़े सगीर है ये तो बहुत ही बहुत ही आइडियल प्लेस है आर्टिस्ट के लिए I think यहाँ पे आर्ट सही निखर के आता है क्योंकि तभी आपके ड्रामा इंडस्ट्री पिछले कुछ साल से क्या हो रहा है ड्रामा इंडस्ट्री में घरेलू मसले नहीं, नहीं।, नहीं वही घरेलू मसले चल रहे हैं वही जी सास बहू के मसले चल रहे हैं वही जो है वो फीमेल बैशिंग चल रही है आपकी के जी औरत ने ये कर दिया उसने ये कर दिया इसका किरदार ठीक mm -hmm. नहीं इसका, वो मैं मैं सिर्फ लाउंज से गुजरता और मिनट आई 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 एम 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 लाइक लाइक डन डन विद विद दिस दिस है टॉप ऑफ द लाइन ड्रामा चल रहा है इट्स अबाउट क्या ड्रामा है क्या, ड्रामा, क्या है? है। ड्रामा है वो जी दूसरे मुल्क से जी तुर्की की हिस्ट्री है बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है देखो तुम बहुत प्यारा उन्होंने पोर्ट्रे किया है भाई आप उस बंदे की हिस्ट्री बुक्स में निकाल के देखो जहाँ पे एक्चुअल हिस्ट्री है आप अपने मुगलिया दौर की बुक्स में हिस्ट्रीज़ उठा के देखो उनकी हिस्ट्रीज एक्चुअली हैं क्या दे वर ऑल मर्डरर्स वो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं अपनी बुक्स में अपनी बुक्स में आप बाबर जिसको यहाँ पर बड़ा आइडियलाइज किया जाता है तो उसके बाबरी में ही सेज हिमसेल्फ सेल्फ कि हम लोगों को हम घरों में घुसते थे वी यूज़ टू रॉप पीपल वी यूज़ टू रेप देयर वीमेन दैट्स वट दे एक्सेप्ट इन देयर बुक्स और वो हमारे हीरोज़ हैं दीज आर आर द काइंड ऑफ टाइम्स वी आर लिविंग इन जहाँ पे हमारे बुक्स में जो हीरोज़ पढ़ाए जा रहे हैं देवर ऑल ये लोग थे वो और आप वहाँ पे सोसाइटी से एक्सेप्ट कर रहे हो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सोसाइटी बहुत कोई प्यारी निकलेगी बहुत कोई जो है सोसाइटी निकल के निकलेगी कभी नहीं निकल सकती आप उनको पढ़ा क्या रहे हो आप उनको पहले फीड क्या कर रहे हो वो चीज़ें आपको जब आप बाहर निकलते हो आप आधे से सेवेंटी एटी परसेंट को तो पता भी नहीं लगता कि उनके साथ हुआ क्या वो मर जाते हैं वो कब्र तक चले जाते हैं उन्हें नहीं समझ आती उनके साथ हुआ क्या जो फाइव टेन परसेंट जो जिनको समझ भी आती है वो जब उन चीज़ों को कैंसिल आउट करने जाते हैं उनका पूरा बैलेंस उनकी पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाती है पहले जी अपने घर वाले उनके खिलाफ हो जाएंगे फिर सोसाइटी हो जाएगी बहुत लकी हुआ तो नहीं मारा जाएगा सड़ी गलियों सड़कों पर अगर या तो वहाँ मारा जाएगा तो आप जब उन चीज़ों को कैंसिल आउट करते हो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आप क्यों लोगों को फीड कर रहे हो चीज़ें जो कि सच है ही नहीं लेकिन तो, एक तरफ से पीपल इधर ना रादर टेक दी रूट जो तुम फीड कर रहे हो वो ठीक है वो सारा वो ये चाह ही नहीं रहे आई like 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 I've really ever heard of like an लाइक आई रेयरली एवर who hmm. is like hundred percent desi. ठीक है ये नहीं कि बाहर से होके आए एंड ही रियलाइज की दुनिया कुछ और भी है एंड आई एम रोजिंग माई लाइफ लाइक दिस मेरीड एट ट्वेंटी टू चिल्ड्रेन एट ट्वेंटी फाइव तो सीरियसली लेकिन उनका ये उनका ये कि like they don't go through midlife crisis because they're not like, okay, i've experienced being a cog in the machine yeah. and corporate life just isn't working out for me. Yeah. they're just like, ha, chalrai chaltare, like, don't like i need to be better, i need to like do do something like worthwhile with like, my life. let's imagine. let's imagine up sari's carpeted rooms in nijau. carpet laga hai. Aapne puri carpeted rooms in आपको तो पता ही नहीं है कि इसके पीछे दीवार भी है एक दिन कहीं से वो कारपेट फटता है एंड यू जस्ट यर लाइक ये भी है पीछे ये तो बताया ही नहीं गया था ये ये दिस इज लाइक फेक ये फेक है ये कारपेट असली है जबकि वो उसको पूरी जिंदगी प्लास्टर किया गया आपके सामने तो आप आप बिलीव करना शुरू हो जाओगे कि नहीं एवरीथिंग इज कारपेटेड ये कारपेट इज द फ्लोर ठीक है आप पूरी ज़िंदगी वही बिलीव करते रहोगे तो आपके आप जब तक आपके अंदर वो इन्विजन हुई नहीं आपकी थॉट्स में आपकी थॉट्स में अभी तक वो चीज़ आई नहीं है आपको कैसे पता लगेगा यू कैन नॉट नो वट यू आर नॉट टोल्ड अबाउट और वट यू हैव इंट एक्सपीरियंसड तो फॉर दैट लाइक जो वॉइस है उनको दबाया क्यों जाता है कॉन्स्टेंटली ताकि लोग रहें गफलत में लोगों को पता ही ना हो ये कि ये रियलिटी है उन्हें लगे दिस इज़ लाइफ नाइन टू फाइव दैट्स इट दैट्स इट यू हैव टू बी लाइक वही सारे जो है मिलके वो स्लेवरी में लगे हुए हैं घुमा रहे हैं एक मशीन को और जो टॉप चेन है वो कमा रही है जो उससे टॉप चेन है वो और कमा रही है और ये तबका यहीं लगा हुआ है ये लगा हुआ है घुमाने तो एक बड़ी प्यारी एग्जाम्पल दी थी इट वॉज़ बाई अली अजमत तो उसने स्टोरी सुनाई थी एक इंटरव्यू में इट वॉज लाइक एक दीवार है ठीक है इधर गरीब बंदा है उधर अमीर बंदा है ठीक है जब गरीब बंदा आता है दीवार पे चढ़ता है अमीर बंदा गोली मार के गिरा देता है उसको कि गिर जाओ जो।, जो गरीब बंदा उधर जो है वो पलट के चला जाता है और उधर जाता है फिर उसको गन पकड़ाते हैं कहते हैं अब तुम मारो अब जो उस तरफ से है अब तुम मारो हमारा यही चल रहा है हमारा सिस्टम यही चल रहा है कि आप यहाँ पर कितनी एक्सेप्टेंस है यहाँ पर जितने आप देखो कितने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाता है वही जो फैमिली फैमिली इधर फैमिली जी आपकी आधी ज़्यादा इंडस्ट्री भरी हुई है सिफारशियों से आधी ज़्यादा जिनकी फैमिलीज़ हैं उनकी जो है आधा आधे चैनल ऑन कर रहे हैं आधे जो है वो म्यूज़िक म्यूज़िकन कर रहे हैं वही फैमिलीज चलती आ रही हैं कोई नया बंदा आता है उसके अराउंड इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती हैं इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि वो अल्टीमेटली ग़ायब हो जाता है आपके बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट थे जो अपने ओन पे बने थे वो गायब हो गए आज क्योंकि उनको बैक करने वाले उनके माँ बाप नहीं थे वो रिच बॉयज़ नहीं थे ठीक है उनके वो लोग नहीं थे कि जो कह रहे थे हाँ जी कॉल करके यार मेरा बेटा है जी इंटर करवा दो जी कोक स्टूडियो करवा दो ये करवा दो करवा दो आपके सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं आपके सारे प्लेटफॉर्म चल ही इस पर रहे हैं कि जी एक की सिफारिश है दूसरे की सिफारिश है विदाउट कॉन्टैक्ट आपको कभी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर रीच आउट नहीं करेगा आपको यू हैव टू आपको अप्रोच करना पड़ेगा आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं कहेगा कि योर आर्ट इज़ सुपीरियर देन माई ईगो आप सबकी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे यहाँ पे आर्टिस्ट जब उस व्हील में जाता है उसको सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करनी है उसको सिर्फ जो है वो प्रे करना है उनके आगे दे आर लिटरली प्लेइंग गॉड्स इन द मीडिया दे और वो उनसे आप बात करो ना उन्हें है भी हुई वाले कि हम वो अपने आप को जो है गॉड समझ बैठे हैं दे डोंट नो कि वो किस साइड पे जा रहे हैं और उन्हें दे डोंट इवन केयर अबाउट योर आर्ट दे जस्ट केयर अबाउट देयर ओन साइकिल देयर ओन सर्कल के वो चलता रहे

Easy. <laughs> and thank you, everyone else, for tuning in. Um, I would really appreciate your feedback, so please um, do leave comments, like, and subscribe, and do share it if you enjoyed what we had to say. Even if you didn't, we share it